हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। इस फिल्म की शुरुआत होती है के से। के अपने फियांसे रूपर्ट के साथ रति क्रिया कर रही है। दोनों यहाँ बेड पर हमबिस्तर हो रहे हैं। ये दोनों नग्न अवस्था में हैं, पर तभी यहाँ पर जॉली का आना हुआ है। जॉली दरअसल सिर्फ के को दिखाई देता है, रूपर्ट को नहीं। के यहाँ रूपर्ट से कहती है कि इस घर में भूत है। रूपर्ट कहता है कि तुम पागल हो गई हो। के की बातों से हमें पता चलता है कि के की पहले भी शादी हुई थी। उसके हस्बैंड का नाम जॉली था। जॉली दरअसल ब्रॉडवे शोमैन था। उसके शो देखने काफ़ी सारे लोग आते थे। शादी के बाद जॉली और के एक रात को पार्टी कर रहे थे। इस पार्टी के दौरान अचानक से जब सीढ़ियों से जॉली उतर रहा था तब वो फिसल कर गिर गया और इसके बाद उसकी जान चली गई। इन सब बातों को कुछ साल बीते और अब के ने फैसला किया है कि वो रूपर्ट से शादी करेगी। और शादी से पहले वो आज रात को संभोग कर रही थी, पर जॉली इन्हें आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। जॉली तो बाकायदा आकर इनके बेड पर भी बैठ जाता है। के रूपर्ट से कहती है कि यहाँ पर एक भूत है। रूपर्ट को लगता है कि उसकी फियांसे पागल हो गई है। वो गुस्से में यहाँ से जा रहा है। बाद में के जॉली को डांटती है। जॉली कहता है कि वो बस अपनी वाइफ की शादी देखने आया है, इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। इन सब के बाद हम रूपर्ट को देखते हैं जो कि अपने दोस्त हेनरी से मिला है। उसे बताता है कि उसकी फियांसे बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। यहाँ हेनरी उसे कंसोल करता है। इधर हम के को देखते हैं जो कि जॉली के आत्मा के साथ पहुँची है। जॉली अपनी वो परफॉर्म दिखाता है जब वो जिंदा था तब उसे परफॉर्म किया करता था। यहाँ के काफ़ी इमोशनल होती है। वो कहती है कि तुम मुझे यूँ अकेला छोड़कर चले गए, मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। जॉली उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता, पर हाँ वो के साथ मज़े बहुत ले रहा है। जॉली के आ जाने से के लाइफ में हलचल मच गई है। रूपर्ट से उसका रिश्ता टूटने जा रहा है, पर इधर रूपर्ट को एहसास हुआ है कि वो के से बहुत प्यार करता है। अब वो वापस के से मिला है और इस बात को मान गया है कि हाँ वास्तव में के का एक्स हस्बैंड इधर है। रूपर्ट और के रेस्टोरेंट में हैं, खाना खा रहे हैं। अपनी फियांसे को खुश रखने के लिए रूपर्ट ने बगल की चेयर में ऐसा इमेजिन किया है कि यहाँ पर जॉली बैठा हुआ है। वो चेयर से ही बातें करता है। इसके बाद वो चेयर के लिए खाना मंगाता है। ये सब देख कर यहाँ के लोग हंसते भी हैं। एक बच्चा है जो कि ये सब देख कर अपनी माँ से पूछ रहा है कि आदमी पागल है, ये तो कुर्सियों से बातें कर रहा है। बाद में रूपर्ट मिला है एक प्रेस से। उसे कहता है कि उसकी लाइफ में बवंडर आ गया है। वो बताता है कि जॉली की आत्मा इस घर में है और हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। उसका दोस्त जल लिए पहुँचा एग्जॉर्सिज्म करने। इधर हम के और जॉली को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रहे हैं। जॉली कहता है कि वो के को देखने आया था कि वो ठीक तो है। इधर प्रिंस जल लिए घर के कोनों कोनों में घूम रहा है। वो यहाँ डॉगी को देखता है। उसे लगता है कि इसके अंदर ही जॉली की आत्मा है। वो उसी पर जल छिड़क देता है। जब रूपर्ट आता है तब वो जल को उसे थमा कर यहाँ से जा रहा है। रूपर्ट को लग रहा है कि उस डॉग में ही जॉली की आत्मा है। वो उस डॉग को पकड़ कर उससे बातें कर रहा है। वो उसे बार बार यहाँ से जाने को कह रहा है, जॉली तुम यहाँ से चले जाओ। इधर जॉली के से कह रहा है कि अब उसके जाने का समय आ गया है। वो तो बस ये चाहता है कि के शादी के बाद हमेशा खुश रहे। इस तरह जॉली यहाँ से चला गया है। के सबको एक खुशखबरी देने घर से बाहर जाती है। वो यहाँ हॉल में सबको बताती है। इसके बाद वो जा रही है रूपर्ट के पास। वो देखिए कि रूपर्ट किस तरह डॉग से बातें कर रहा है। वो डॉग को डांट रहा है जॉली समझकर। इसके बाद यह अचानक से अंधेरा होता है और फिर उजाला। के अनाउंस करती है कि जॉली अब यहाँ से जा चुका है। रूपर्ट खुशी में सीढ़ियों के सहारे नीचे आता है। अचानक से वो फिसलता है और नीचे गिर जाता है। के को लगा कि जॉली की तरह रूपर्ट भी मर गया, पर वो जिंदा है। वो होश में आता है और के को गले से लगाता है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं और फिर ये शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।